वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज पर न्यूज मैन। गाइज हम बात करने वाले गुजरात वर्सेस तमिल थलाईवाद के बीच में जो गाइज पांचवें नंबर के मैच के बारे में। एंड वीडियो इंटरेस्टिंग होना है तो वीडियो को पूरा देखिए एंड पूरा मैच का हाल बताएंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हाफ में गाइज बहुत ही जबरदस्त झटका लगा तमिल थलाईवाद की टीम को, क्योंकि गाइज तमिल थलाईवाद की टीम की ओर से पवन सेहरावत जो कि स्टार रेडर थे उन वह चोटिल हो गया, जिसकी वजह से गाइज वह मैच नहीं खेल पाए। एंड शुरुआती 10 मिनट गाइज फर्स्ट हाफ के उतने अच्छे मतलब रेडर जो है धीमे प्रदर्शन कर रहे थे। एंड गाइज वहीं पर सुनील कुमार ने आग उगलना स्टार्ट कर दिया एंड फर्स्ट हाफ के 10 मिनट में ही गाइज ऑल आउट कर दिया गुजरात ने जो तमिल थलाईवाद के टीम को। पवन सेहरावत की गैर मौजूदगी में गाइज अब बात आ गई थी कि कौन वो ज्यादा से ज्यादा रेड डालेगा, तो गाइज तमिल थलाईवाद की ओर से हिमांशु ज्यादा रेड डाला एंड जबरदस्त प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। एंड वहीं पर गाइज तमिल थलाईवाद की ओर से नरेंद्र एक उभरते सितारे हमको दिखे एंड उन्होंने फर्स्ट हाफ में अच्छे प्रदर्शन किया था। नरेंद्र ने फर्स्ट हाफ में गाइज 7 रेड पॉइंट ले लिए। एंड अब वहीं पर बात कर लेते हैं गाइज राकेश जो कि गुजरात की ओर से अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे एंड गाइज 7 रेड पॉइंट फर्स्ट हाफ में ही राकेश ने ले लिया था। एंड गाइज अब सेकंड फर्स्ट हाफ में गाइज 12 और 14 की लीड थी, जहां पर गाइज गुजरात ने 12 पॉइंट करे किए थे एंड तमिल थलाईवाद ने 14 पॉइंट। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड हाफ के बारे में, तो गुजरात फॉर्चून जाइंट से दाई डोंग ली ने अब दूसरे सेकंड हाफ में रेड डालना स्टार्ट किया एंड अच्छा प्रदर्शन भी किया था। एंड बिना पवन सेहरावत के गाइज तमिल थलाईवाद को बहुत ही दिक्कत हो रहा था एंड हिमांशु जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखा रहे थे एंड वहीं पर नरेंद्र भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। एंड सेकंड हाफ के 9 मिनट बचे थे गाइज एंड तमिल थलाईवाद का पॉइंट था 25 एंड गुजरात फॉर्चून जाइंट का 23 पॉइंट था, जिसमें से गाइज राकेश गुजरात के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाई दे रहे थे एंड वो बीच बीच में अच्छे पॉइंट्स लेकर आते रहे थे। एंड पवन सेहरावत का कमी नहीं खलने दिया गाइज नरेंद्र ने, क्योंकि नरेंद्र ने गाइज तमिल थलाईवाद की ओर से सुपर 10 लगाया एंड वहीं पर गुजरात की ओर से राकेश ने गाइज सुपर 10 लगाते हुए एंड गाइज 1 मिनट 11 सेकंड बचे थे सेकंड हाफ में, जिसमें गाइज पॉइंट 30-30 था एंड दोनों ही टीम कोई भी प्रकार के रिस्क लेना नहीं चाहती थी एंड डू ऑर डाई रेड में खेलने लगे। फिर भी पॉइंट गाइज 30 गाइज में 31-31 में ड्रॉ हो गया एंड मैच गाइज बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर के जा रही थी एंड बिना पवन सेहरावत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हमें तमिल थलाईवाद की टीम। एंड गाइज उम्मीद करते हैं दोनों ही टीम अच्छे प्रदर्शन करते रहे एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइज। एंड फॉर नए नए कबड्डी अपडेट के लिए एंड हर दिन का हाईलाइट में लेकर आता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइज।